नगर के वार्ड भंडरिया टोला शुक्रवार की शाम हुई तेज बारिश में मड़ियाहू नगर के बिलवा रोड स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से वहां बगल खड़ा एक युवक किशन गौतम चोटिल हो गया और उसके सामने खड़ी एक स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने चोटिल हुए घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। क्षेत्र में मैनपुर गाँव निवासी रामराज यादव का मड़ियाहू नगर के बिलवा रोड पर एक पुराना मकान है। वह मकान काफी दिनों से बंद पड़ा होने के कारण जर्जर अवस्था में था। शुक्रवार की शाम को आई तेज बारिश में मकान के बरामदे का छज्जा तेज आवाज करते हुए गिर पड़ा। तेज आवाज के साथ छज्जा गिरने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। दौड़कर जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छज्जा गिरा पड़ा हुआ है। उसके सामने खड़ी पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैलाश नाथ यादव की स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं कुछ दूर पर पान की दुकान पर खड़ा जगन्नाथ पूर्व गांव निवासी युवक किशन गौतम को उसके मलबे से चोट आ गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल का इलाज भंडरिया टोला पाहीराज क्लिनिक में चल रहा है। डॉक्टर राकेश कुमार उनका इलाज कर रहे हैं। मड़ियाहू से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। सर क्या हुआ है, कैसे आपकी गाड़ी पूरी टूट गई है, जरा इसके बारे में बताएं। गाड़ी मैंने साइड में खड़ी किया था और एकाएक छज्जा गिरा और छज्जा जो है सीढ़ी पर से छटक करके गाड़ी पे आ गया, गाड़ी पचक गई, काफ़ी नुकसान हो गया। ये तो सब प्रकृति की देन है, इसमें किसी का बस तो है नहीं। किसी को चोट तो नहीं आई सर? नहीं, एक लड़का पान की दुकान पे खड़ा था, जब छज्जा गिरा है तो ईटा छटक गया, उसके पैर में चोट आ गई है काफ़ी, वो हॉस्पिटल गया। एक बार आप अपना पूरा परिचय देते हैं। कैलाश नाथ यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर, जिला सचिव समाजवादी पार्टी जौनपुर, निवास ग्राम नारायणपुर मड़ियाहू जौनपुर। मुन्ना मिस्त्री है। ये छज्जा जो गिरा है ये कैसे गिरा है? अरे पानी बरसा है और जर्जर हो गया था, गिर गया तो 10 मिनट पहले हम अपनी गाड़ी यहीं बनवा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी को कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट नहीं, एक बच्चे की चोट आई है हल्का सा, वो गया पानी की दुकान पर खड़ा था। मतलब अभी जो बारिश हुई है उसी बस उसी से जर्जर मकान था, इसलिए गिरा था ऑटोमेटिक।